संदीप भाई पीछे आओ, अरे तो ये लड़ाई है, संदीप भाई पीछे आ जाओ। लोगों की दिवालियां नहीं बन पाई, अफीम कास्तकारों की वो मिठाई तो छोड़ो, अपना रोटी तक नहीं खा पाए, क्योंकि अफीम का कास्तकार जो थोड़ा बहुत संपन्न होता है वो इसी आधार पे होता है कि अफीम में तो उसको कुछ मिलता नहीं, लेकिन पोस्ता और रोड़ा चूरा में उसको जरूर थोड़ा सा आर्थिक मदद मिल जाती है। पिछले अभी जो एक नई नीति घोषित करी है, हमेशा ये लोग जो घोषित करते हैं अफीम नीति, उसमें 58-60 की एक औसत देते हैं, लेकिन इस बार किसानों ने पिछले टाइम 62-64 और 70 तक की औसत अफीम की दी, जिसको हम गाढ़ता कहते हैं, वो औसत हमने दी। उस औसत आधार पर पट्टे देना चाहिए जो कि नियम के नियम में है, लेकिन 5.9 यानी कि 5 किलो 900 ग्राम एक हेक्टर में इनको मार्फिन की मात्रा चाहिए। मार्फिन की मात्रा डिपेंड करती है मौसम पे, कहीं मौसम अच्छा है तो मात्रा अच्छी बैठी, कहीं मौसम खराब हुआ तो मात्रा, जैसी अफीम होगी उसी आधार पे मार्फिन की मात्रा बैठती है। ज्ञापन दिया है यहाँ के विभाग के अधिकारी, तो अगर इसमें संशोधन नहीं किया तो निश्चित रूप से कांग्रेस और किसान पूरे ज़िले में जब तक इस नीति में संशोधन नहीं होता बड़ा आंदोलन करेंगे, घेराव करेंगे, पुतले जलाएंगे, जो भी आगे की रणनीति है लगातार हम धरना देंगे और किसानों को वाजिब उनका हक दिलाएंगे। नारकोटिक्स कार्यालय में वित्त मंत्रालय के नाम से ज्ञापन दिया गया है, उसमें किसानों के पट्टे काटने की एक सरकार की सोची समझी साजिश के तहत जो योजना बनाई थी उसके खिलाफ आज किसानों का यह आंदोलन था। पूर्व में ये घोषित था कि 60 किलो प्रति हेक्टर की औसत पे आपको पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन उस नीति में परिवर्तन करके अचानक 5.9% की मार्फिन के आधार पर पट्टे दिए जा रहे हैं, ये किसानों के साथ कुठाराघात है। ये नीति इनने चेंज करके ये किए, ये क्यों किए, इसमें किसानों की कोई गलती नहीं है। अभी नारकोट अपने अफीम फैक्ट्री के द्वारा मार्फिन का उत्पादन नहीं किया जा रहा है, फैक्ट्री चालू नहीं की गई, उसमें किसानों का दोष नहीं, सरकार का दोष।